हेलो एवरीवन वेलकम टू कलरफुल थ्रेड्स फ्रेंड्स आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा साइक लेडीज जैकेट का डिज़ाइन जैसा कि आप देख सकते हैं दो कलर में मैंने इसे बनाया है जैसा कि मैं हमेशा ही बनाती हूँ आपको पता है और ये जो स्वेटर है ये पूरा बो पैटर्न पे बना हुआ है नेक्स्ट से मैंने इसे बनाया है बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन है ये कटिंग वगैरह बिल्कुल प्रॉपर है और ये बना हुआ है थर्टी सिक्स एंड थर्टी एट जैस साइज के लिए अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसे एक साइज एक नंबर ज्यादा क्रो, मोटी हुक से बनाए मैंने इसे बनाया है थ्री एम एम के से अगर आप इसे बड़ा थोड़ा सा साइज बनाना चाहते हैं तो आप थ्री पॉइंट फाइव एम के से बना सकते हैं और अगर आप इतने ही थोड़ा अगर आप चेन कम कर लेंगे तो भी आप एक साइज छोटा या एक साइज बड़ा बना लेंगे छोटा कम करेंगे तो एक साइज छोटा बन के रेडी होगा और अगर आप चेन थोड़ी सी पांच या आठ चेन बढ़ा लेंगे तो आपका एक साइज बड़ा बन के रेडी हो जाएगा बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा पैटर्न है सीजन एंड होने वाला है तो एक स्वेटर और बना लीजिए अपने नेक्स्ट ईयर पहनने के लिए बिल्कुल नया नया स्वेटर नेक्स्ट ईयर निकालिए और सभी आपकी तारीफ करेंगे तो चलिए फिर बता देती हूँ मैं इसमें कितना ऊन लगा है इस पूरे स्वेटर को बनाने में मुझे फ्रेंड्स ग्राम सॉरी ऊन लगा है फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी ग्राम थ्री सेवेंटी फाइव ग्राम ऊन लगी है मुझे इसमें पर्पल कलर की और सेवेंटी फाइव ग्राम ऊन लगी है मैंने इस, uh, इसमें व्हाइट कलर की पर्पल और व्हाइट में मैंने बनाया है आप रेड व्हाइट में बनाए येलो व्हाइट में बनाए ऑरेंज व्हाइट में बनाए ग्रीन व्हाइट में बनाए किसी भी कलर में बनाए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है ब्लैक एंड व्हाइट में भी बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा आई होप आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आएगा पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आगे और पीछे दोनों ही साइड से इसमें डिजाइन पड़ी है आप देख सकते हैं पीछे का लुक कुछ इस तरीके का है आगे इसका गला राउंड नेक में बना हुआ है क्योंकि ये स्वेटर ऊपर से बना है और आप इसका देख सकते हैं नेक पैटर्न आप देख सकते हैं कितना ज्यादा खूबसूरत है स्लीव्स की कटिंग और स्लीव्स में ये डिजाइन कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है पूरा ही मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है दो पार्ट में मैंने वीडियो को डिवाइड किया है ये है वीडियो का पार्ट वन जिसमें मैं आपको इसका पूरा योग कर नीचे का पूरा पार्ट बता दूंगी कैसे बनेगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ये जो बॉर्डर दिख रहा है व्हाइट कलर का नीचे भी हल्का सा एक बॉर्डर बना हुआ है प्लस स्लीव कैसे बनेगी कटिंग कैसे करनी है सब कुछ मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो बट बढ़, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इससे पहले भी मैंने बहुत सारे स्वेटर्स एंड जैकेट अपलोड किए हैं इस साल काफी ज्यादा स्वेटर्स अपलोड किए हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं हो सकता है आपको कोई और स्वेटर पसंद आ जाए और आप उसको बनाना चाहें तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो फ्रेंड्स यहाँ मैं इस जैकेट को बनाऊंगी थ्री प्लाई के वूल से और इस बार मैंने यूज़ किया है थ्री एम एम का क्रॉशिया हुक सबसे पहले आम, मैं जो साइज बनाने जा रही हूँ उसके लिए मैंने बना लिया है इसमें टोटल 120 चेन ओके तो मैं 120 चेन से स्टार्ट कर रही हूँ अगर आप इसे छोटा बनाना चाहते हैं तो या तो आप 2.5 पॉइंट के क्रोशिया हुक से इसे स्टार्ट करें या तो फिर आप 115 चेन से स्टार्ट करें और अगर आप इससे बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो आप 125 चेन से उससे बड़ा साइज़ 130 चेन से स्टार्ट कर सकते हैं एक साइज़ सिर्फ बड़ा बनाना है तो 125 चेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 3.5 पॉइंट mm फाइव के क्रोशिया हुक को यूज़ करके आप सेम चेन से ही सेम बना सकते हैं बिल्कुल जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाएंगे फॉलो करेंगे 3.5 पॉइंट mm फाइव से तो एक साइज़ बड़ा बनके इससे रेडी होगा तो यहाँ मैं इसमें टोटल एक सॉरी एक सौ बीस वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी चेन्स लेके इन सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करूँगी तो ये देखिए पूरे में मैंने एक सौ बीस चेन बना के उसमें एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है और अब इसमें क्या करना है सेकेंड रो के लिए एक और दो दो चेन बनाएंगे वर्क को टर्न कर लेंगे ये जो हमने दो चेन बनाई है एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी इसके बाद हमें इसी स्पेस से बना लेनी है एक डबल क्रोशिया इसके बाद वाली डबल क्रोशिया में दूसरी बनाएंगे दो हो गई इसके बाद वाली में एक डबल क्रोशिया तीन हो गई और इसके बाद फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो टोटल चार डबल क्रोशिया हमारे पास हो गई हैं एक दो तीन चार और जब फिफ्थ वन में आएंगे तो यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बना लेंगे एक सेम इसी जगह से फिर से डालेंगे और एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे ओके तो पांचवी डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया को बढ़ा लेना है फिर से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे और चार चार बार एक एक बना ली हमने और अब पांचवी वाली में जब आएंगे फिफ्थ नंबर पे तो वहां पे दो डबल क्रोशिया बना लेंगे सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करते हुए इस पूरी रो को हमें ऐसे ही ओवर करना है हर पांचवी डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेनी है तो ये देखिए यहाँ मैंने हर पाँचवीं डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से दो चेन बनाएंगे वर्क को टर्न करेंगे सेम इसी स्पेस से जहाँ से बनाया है वहीं से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे अगेन दो चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी तो ये हमारी पहली डबल क्रौशा हो गई दूसरी बना ली इसके बाद वाली में तीसरी चौथी और इसके बाद बना लेंगे पाँचवीं तो इस बार हमें पाँच बार एक एक डबल क्रोशिया बनानी है पिछली रो में हमने चार बार बनाई थी पाँचवीं में बढ़ा लिया था जब नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो पाँच बार एक एक बना लेंगे और जब छठी डबल क्रोशिया आएगी तो इसमें दो बनाएंगे एक और दो फिर से फाइव टाइम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक पाँच ओके और सिक्स वन में दो डबल क्रोशिया बना लेंगे सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करके इस पूरी रो को भी ऐसे ही ओवर करेंगे तो पांच बार एक एक और छठी में एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे तो ये देखिए इस तरह नीचे तक बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कितने रोज बना के रेडी किए हैं और नीचे जो बॉर्डर में कलर कुछ बनाएंगे कितने राउंड के बाद किया है सेम इसी स्पेस से फिर से एक डबल क्रोशिया और अब बढ़ानी है हमें हर सातवीं डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया तो अब इस बार छह डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे तीन चार पाँच और छ छः बार हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाई और अब जब सेवेंथ वन आ जाएगा तो इसमें दो डबल क्रोशिया बना लेंगे तो फ्रेंड्स इसी तरह से इसमें हमें टोटल छः राउंड बना के रेडी करने हैं यहाँ पे मैंने एक दो तीन चार ये हमारा चौथा राउंड है और चौथे राउंड में यहाँ पे छः डबल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया बढ़ाई है मेन सातवीं वाली में हमने एक डबल क्रोशिया बढ़ा ली है इसके बाद वाले राउंड में आपको एक भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ानी है जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है उन सब में एक एक डबल क्रौशा बना लेंगे और जब हमारा छठा राउंड आ जाएगा तो फिर उसमें आपको फिर से सात के बाद आठवीं वाली में एक डबल क्रोशिया बढ़ानी है ओके पहले चार के बाद फिर पाँच के बाद फिर छः के बाद उसके बाद एक भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे और उसके बाद सात के बाद आठवीं डबल क्रोशिया में बढ़ा लेंगे तो मैं यहाँ पूरे बना लेती हूँ बॉर्डर फिर आपको बताती हूँ तो आपको और आइडिया लग जाएगा कि, कि किस राउंड में कितने के बाद डबल क्रोशिया को बढ़ाना बढ़ाएंगे इसमें टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः राउंड बना के रेडी की हैं सेम वैसे ही पहले चार के बाद बढ़ाया है फिर पाँच के बाद बढ़ाया है फिर छः के बाद बढ़ाया है और इस वाले राउंड में मैंने जो फिफ्थ नंबर मेरा राउंड है सॉरी वन टू थ्री फोर यस जो फिफ्थ नंबर राउंड है इसमें मैंने एक भी फंदा नहीं बढ़ाया है और इसके बाद मैंने सेवन uh, के बाद यहाँ पे फंदे को बढ़ाया है ओके okay, तो आ, इसमें आपको सिर्फ इतना देखना है कि इस तरह से रखने के बाद कहीं भी कर्लिंग नहीं होनी चाहिए और ये वर्क एक दूसरे पे चढ़ना नहीं चाहिए और इसमें जो मेरी ये लास्ट राउंड में डबल क्रोशिया बन के रेडी हुई है ये टोटल मेरे पास टू हंड्रेड एंड एलेवन बन के रेडी हो रही थी थोड़ा सा मैंने पीछे से इसको खोल के एक डबल क्रोशिया यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ाई है आ, क्योंकि मुझे इसमें फ़ोर के मल्टीपल में करना है तो आप भी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप जितनी भी डबल क्रोशिया बनाएं आ, फोर के मल्टीपल में ही होनी चाहिए हो सकता है एक डबल क्रोशा या दो डबल क्रोशा कम हो तो सिर्फ एक या दो का ही अंतर पड़ेगा तो आप उसे बढ़ा लें या तो फिर उसे कम कर दें अब मैं यहाँ पे इसमें वाइट कलर का थ्रेड इसमें ऐड कर लूँगी ओके हल्का सा इसे टाइट कर लेंगे एक और दो दो चेन बनाएंगे और वर्क को अपने टर्न कर लेंगे जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाई है जो सबसे लास्ट वाली है आ, उधर के साइड से इसमें हमें एक इस तरह से लूप लेना है और एक डबल क्रोशिया बना लेनी है पूरा ओवर नहीं करना है इसे आधा ही ओवर करेंगे सिर्फ एक बार लूप को निकालेंगे सेकंड वन में डालेंगे और लूप को पूरा ओवर नहीं करेंगे आधा ही ओवर करेंगे उसके बाद थर्ड वन में भी डालेंगे लूप को आधा ही ओवर करना है और उसके बाद फोर्थ वन में और लूप को आधा ही ओवर करेंगे ओके अब हमारे पास देखिएगा एक दो चार तीन चार और चार में हमने वर्क किया है चार डबल क्रोशिया में और टोटल लूप हमारे पास हैं पाँच ये जो हमने यहाँ पे पहला बनाया था दूसरा तीसरा चौथा सब में एक एक बना लिया है और अब इसे इन सबको एक साथ हमें ओवर कर देना है ओके ओवर करने के बाद ये जो ओवर करेंगे आप थोड़ा ही करिएगा इसके बाद यहाँ से एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे लूप लेंगे और यहाँ पे देखिए जहाँ पे ओवर किया है ओके इस जगह पे हमने ओवर किया है तो ये ऊपर वाले जो इसके लूप्स हैं जो हमने ढीले ढीले ओवर किए हैं ये देखिए ये हमने ढीला ढीला ओवर किया है ऊपर से इसी में डालना है चारों लूप्स में और यहाँ से अपने वर्क को निकाल लेना है डबल क्रोशिया बना लेंगे अब इसे पूरा ओवर कर लेंगे दो हो गई हमारे पास जो हमने पहले तीन चेन बनाई है और दूसरी डबल क्रोशिया बना ली है अगेन इन्हीं चारों में से डालेंगे यहाँ पे जो लूप्स हैं इसी में बहुत इजीली ये चला जाता है आराम से बन के रेडी होता है फिर से इसी से डालेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन हो गई सेम प्लेस से फिर से हमें डालना है और चौथी बार डबल क्रोशिया बनानी है ओके okay. तो अब टोटल यहाँ पे वन टू थ्री फोर चार डबल क्रोशिया बन के रेडी हुई और ये एक बो पैटर्न भी बन के रेडी हो गया है और अब सेकंड हम के हमें क्या करना है अब देखिएगा वर्क हमें यहाँ से करना है और मैं इस साइड पे हूँ ऊपर के साइड पे हूँ और नीचे की तरफ हमें वर्क करना है तो एक दो और तीन तीन बार धागे को ग्रैप करेंगे सेम इसके जस्ट बगल वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें डालेंगे और एक डबल क्रोशिया की तरह इसे ओवर करेंगे स्टार्टिंग के जो दो लूप है इसे हमें डबल क्रोशिया से ओवर करना है बाकी जो पीछे के लूप है ये क्रोशिया में ही रहेंगे इन्हें अभी ओवर नहीं करना है नेक्स्ट वन में डालेंगे फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे आधा ही ओवर करेंगे थर्ड वन में डालेंगे डबल क्रोशिया को आधा ही ओवर करेंगे और फोर्थ वन में डालेंगे डबल क्रोशा को आधा ही ओवर करेंगे तो चार डबल क्रोशा में ये एक पैटर्न बन के रेडी होता है इसीलिए मैंने आपसे बताया कि चार के मल्टीपल में आपका होना चाहिए और अब स्टार्टिंग के जो लूप्स हैं जो हमने डबल क्रोशा में लिए हैं देखिएगा इन सबको हमें ओवर कर लेना है ओके उसके बाद फिर ऊपर जाने के लिए एक दो और तीन इन तीनों को ओवर किया अगेन सेम प्रोसेस को करेंगे जो चार हैं इन्हें हमें लेना है और एक बार में डबल क्रोशिया बनानी है एक फिर से इसी में से डालेंगे दो और तीन ऊपर के साइड डबल क्रोशिया तीन ही बनेगी क्योंकि जो फर्स्ट टाइम में हमने ये लूप लिया है एक ये हो गई तो टोटल चार होनी चाहिए वन टू थ्री फोर ओके टोटल चार हो गई हैं दो पैटर्न बनके रेडी हो गए हैं अगेन एक दो तीन तीन बार धागे को ग्रैब करेंगे सेकंड वन वाली जो हमारी डबल क्रोशिया है इसे डालेंगे स्टार्टिंग का लूप ओवर करेंगे सेम प्रोसेस को ही आपको रिपीट करना है तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है चार के मल्टीपल में अगर आपके पास इसमें डबल क्रोशिया है तो कहीं भी आपकी एक भी डबल क्रोशिया घटेगी या बढ़ेगी नहीं पूरे में बन के पैटर्न रेडी होंगे इस तरह से पूरे में वो पैटर्न बना के रेडी कर लिया है और अब थ्रेड हमारा इसे थोड़ा सा लंबा कर देना है और यहीं पे छोड़ देना है और दूसरे साइड पे आना है जहाँ पे हमारे पास ये पर्पल थ्रेड है अब वर्क हमें इस थ्रेड से करना है तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर वाली हमारी हमारा पैटर्न है उसमें पहले नंबर वाली में एक दो, दो चेन बना लेंगे सेम इसी प्लेस से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस रो में अब धागे को भी फंदों को भी बढ़ाना है तो पहले स्टार्टिंग में जो बो पैटर्न में हमारे पास चार डबल क्रोशिया है इन चारों में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन और चार एक दो तीन चार चार डबल क्रोशिया बना ली अब जो फिफ्थ नंबर वाली है इसमें हमें दो बना लेनी है एक और दो ओके फिर से एक दो तीन और चार फिफ्थ नंबर वाली में दो बना लेंगे एक और दो तो इस तरह से पूरे में हमें रिपीट करना है एक चीज़ का फिर से ध्यान दीजिएगा डबल क्रोशिया जो बन के रेडी होंगी वो चार के मल्टीपल में ही बन के रेडी होनी चाहिए तो अगर इसे काउंटिंग पहले कर लेंगे कितने डबल क्रोशिया बन के रेडी होगी और जितनी भी कम हो या ज़्यादा हो उसे बीच में ही एडजस्ट कर लेंगे तो मैं पूरा बना लेती हूँ तो ये देखिए यहाँ इस तरह से पूरे में मैंने डबल क्रोशिया बना ली है और अब ये जो वाइट कलर का धागा है इसे हम यहाँ से कट करेंगे तो कट करने से पहले इसे यहाँ पे लगाएंगे और एक चेन बना के इसे यहीं से कट कर लेंगे और अब इसे लगाना है हमें दूसरे वाले साइड साइड में इस से अगर डिजाइन बनाएंगे तो सीधी बन के रेडी होगी तो यहाँ पे इसे ऐड कर लेंगे जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है और मैं आपको बता दूं कि इस वाली रो में मेरी जो डबल क्रोशिया है वो 256 डबल क्रोशिया इसमें बन के रेडी हुई है टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर डबल क्रोशिया थी दो डबल क्रोशिया मैंने इसमें बीच में एक्स्ट्रा बढ़ाई है और अब धागे को यहीं पे ऐड करके सेम बो पैटर्न को हमें फिर से रिपीट करना है एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे सेम ही बो पैटर्न जो अभी मैंने बताया है सेम ही डिज़ाइन आपको बनानी है वैसे ही चार बार डबल क्रोशिया बनानी है लास्ट लूप ओवर नहीं करना है इसे ओवर करेंगे यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे और तीन चेन बना के जो ओवर किया है उस वाले लूप में डालेंगे और एक एक करके इसमें तीन और डबल क्रोशिया बनाएंगे एक फिर से यहीं से डालना है दो अगेन सेम प्लेस से तीन एक दो तीन तीन, तीन बार धागे को ग्रैब करेंगे और दूसरी बार बो पैटर्न बनाएंगे तो बो पैटर्न सेम वैसे ही बनेगा हर बार जैसे हमने बनाया आ, है इसी तरह से बो पैटर्न बनाएंगे और पूरा एंड पर आ जाएंगे तो ये देखिए यहाँ मैंने इसमें बना के रेडी कर लिया है और अभी इसमें फिर से फंदों को बढ़ाना है तो जब तक हमारा योग पूरा ना ना हो जाए फ्रेंड्स तब तक हमें फंदों को इसमें बढ़ाना होता है और योग साइज जो कंप्लीट करना होता है वो आठ से साढ़े आठ इंच तक ही कंप्लीट होगा स्मॉल साइज मीडियम साइज एंड लार्ज साइज के लिए ये पूरा जो योग साइज़ होता है ये आठ से साढ़े आठ इंच होता है अभी ये मेरा सिर्फ छः इंच ही कंप्लीट हुआ है तो अभी इसमें मैं दो बार और बढ़ाऊँगी बढ़ाना सेम ऐसे ही है इस बार जो फंदों को बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे डबल क्रोशिया के बाद ओके यहाँ पे हमने चार के बाद बढ़ाया था अब इस बार छः के बाद बढ़ाएंगे और जब भी आप बो पैटर्न बनाएंगे तो बो पैटर्न आपका फ्रंट साइड से ही बनेगा तो इसलिए आपको इसमें धागे को कट करना होगा इसे हम बनाएंगे इस कलर से और ये जो पर्पल वाला मैं थ्रेड लगा रही हूँ तो वो जिस साइड भी आप रहेगा आपका उसी साइड से आप इसमें डबल क्रॉशा कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे मेरा इससे पहले जब मैंने बनाया था तो नेक्स्ट साइड पे था तो मैंने वहाँ से कंटिन्यू कर दिया इस साइड पे अब इस बार इस साइड पे है तो इसे कट नहीं करना है वाइट वाले धागे को कट करके आपको और राइट साइड पे लगाना होगा तो यहाँ पे आप देखिएगा सेम वैसे ही बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः छः डबल क्रोशिया बना ली अब छः के बाद सातवें में यहाँ पे फंदे को बढ़ा लेंगे एक एक स्पेस से दो बार डबल क्रोशिया बना लेंगे सेम वैसे ही फिर से छः बार डबल क्रौा बनाएंगे तो इस रो को ऐसे ही बनाएंगे उसके बाद सेम प्रोसेस ही फिर से कंटिन्यू करेंगे और वो पैटर्न को बनाएंगे इस बार छः के बाद हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बढ़ाई है उसके बाद वो पैटर्न बनाएंगे उसके बाद फिर से डबल क्रशा वाला पैटर्न बनाएंगे तो जब इसके बाद बनाएंगे छः के बाद बढ़ाने के बाद आप आठ आठ के बाद बढ़ा सकते हैं अगर भी छोटा साइज़ चाहिए तो आप दस के बाद बढ़ाएँ तो आप चेस्ट साइज मेज़र कर सकते हैं चेस्ट साइज कैसे मेजर करना है वो मैं अभी ये पूरा बन जाने के बाद बताऊंगी प्लस आपको ये भी बताऊंगी कि मेरे कितने बो पैटर्न बनके रेडी हुए हैं एक चीज़ का बस आपको ध्यान देना है जब भी आप डबल क्रोशिया बनाएंगे तो वो फोर के मल्टीपल में ही होनी चाहिए मैं बना लेती हूँ फिर आगे बताती तो ये देखिए यहाँ मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले मैंने चार के बाद फंदों को बढ़ाया है फिर छः के बाद और उसके बाद मैंने यहाँ पे आठ के बाद फंदों को बढ़ाया है और अब इसके आगे का पैटर्न हमें बना के रेडी करना है कि इसमें आम होल किस तरीके से अलग कर यहाँ जो फ्रेंड्स ये बो पैटर्न बना हुआ है ये मेरे पास एक कम अस्सी मिन सेवेंटी नाइन पैटर्न मेरे हैं इसमें मैं आगे का बताती हूँ कि आम होल इसमें कैसे अलग करना है तो आम होल को अलग करने के लिए यहाँ मैं आगे बारह पैटर्न रखूंगी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ओके okay, और बारह पैटर्न के बाद यहाँ पे एक मार्कर लगाएंगे और अब यहाँ से सोलह पैटर्न काउंट करूँगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो ये सिक्सटीन नंबर पैटर्न है इसके बाद यहाँ पे इसी मार्कर को ऐड कर लेंगे ओके okay, तो आम होल में मैंने सोलह पैटर्न रखे हैं और आगे के साइड पे बारह पैटर्न हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सेम ही पैटर्न को इधर भी करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यहाँ पे मार्कर को लगाएंगे और इसके बाद अठारह सोलह पैटर्न को सॉरी काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ओके और सोलह पैटर्न के बाद अब यहाँ पे मार्कर को ऐड कर लेंगे और अब पीछे काउंट कर लेते हैं कितने पैटर्न मेरे पास बचे हुए हैं तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँगी तो टोटल तेईस पैटर्न होंगे मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री ओके तो ट्वेंटी तो थ्री पैटर्न अब इसमें मेरे पास पीछे की तरफ हैं तो बारह बारह आगे रखे हैं तेईस पीछे हैं और सोलह सोलह मैंने आम होल पे कर दिए हैं और काफ़ी ठीक ठाक ऑम होल भी इसका बन के रेडी हुआ है और अब इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स इसमें सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है और कुछ भी नहीं करना है तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ सेम वैसे ही कहीं भी कुछ भी बढ़ाना नहीं है ना अब घटाना है अब सिर्फ ऐसे ही वर्क करते जाना है तो देखिएगा यहाँ पर दो चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे डबल क्रौशा का राउंड है तो पहले इसमें जितनी भी डबल क्रौशा है जैसे अभी तक बनाते आ रहे हैं सेम वैसे ही बनाना है तो हर डबल क्रौशा के ऊपर एक एक डबल क्रौशा बना के रेडी करनी है तो एक डबल क्रौशा का राउंड एक बो पैटर्न का राउंड एक डबल क्रौशा का एक बो पैटर्न का बनाते हुए जितनी आपकी इसकी लंबाई है जो वाइट वाला मेरा पैटर्न है इसकी लंबाई देखिएगा टोटल साढ़े चार साढ़े चार इंच है ये तो जितनी आपको टोटल लंबाई रखनी है उससे साढ़े चार इंच कम आपको लंबाई रखनी होगी ओके जैसे अगर आपको इसमें अठारह सॉरी बारह इंच की लंबाई रखनी है तो आप बारह में से साढ़े चार घटा दें और उतना लंबा इसे बना के एज़ इट इज़ रेडी कर लें तो अब यहाँ पे पहले मैं यहाँ से पूरा जहाँ तक मार्कर लगाया है वहाँ तक डबल क्रोशिया बना के आती हूँ फिर आपको बताती हूँ ऐड कैसे करना है तो यहाँ देखिए टोटल ग्यारह पैटर्न में मैंने वैसे ही सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है और अब मैं मार्कर पे हूँ मार्कर के बाद अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो पैटर्न है ये मार्कर यहाँ पे लगा हुआ है इसके बाद के पैटर्न ये बैक साइड के हैं और इधर वाला ये जो पैटर्न है ये हमारे आम होल के पैटर्न है तो आम होल वाले को छोड़ देंगे और इसके बाद यहाँ से देखिएगा एक दो तीन चार ऐसे ही करके इसमें डबल क्रोशिया बनी हुई हैं तो सब में एक एक डबल क्रोशिया इसमें ले लेंगे डायरेक्ट यहीं पर आएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे मार्कर को यहाँ से निकाल दीजिए और अब ये देखिए हमारा आम होल अलग हो गया है और ये आगे का हिस्सा हो गया है सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए फिर से नेक्स्ट मार्कर तक आ जाएंगे ओके सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ये बैक का पार्ट है और बैक के पार्ट में पूरे आ, ऐसे ही बनाते हुए अगेन मार्कर तक आएंगे तो बैक साइड में भी पूरे में डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है और अब मैं अगेन फ्रंट साइड में हूँ तो दूसरा भी मार्कर हटाना है हमें तो अब इसके बाद की जो डबल क्रोशिया है इनमें डालेंगे फ्रंट साइड वाली में और इसमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे मार्कर को निकाल देना है और अब देखिए इस साइड का भी बन के रेडी हो गया है और अब इस साइड में भी पूरे में हमें डबल क्रोशिया बना के ऐसे ही रेडी कर लेनी है तो पूरा बनाते हुए यहाँ एंड पर आ जाएंगे तो ये देखिए पूरे में सेम वैसे ही मैंने इसमें बना के रेडी कर लिया है और अब मैं आपको पहले इसका चेस्ट मेज़र करके बता देती हूँ कि इसका चेस्ट कितना बन के रेडी हुआ है और अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कि आपको छोटा कैसे बनाना है और बड़ा बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाना है और यहाँ पे देखिएगा चेस्ट साइज़ जो मैं मेज़र करने जा रही हूँ यहाँ से मैंने ये देखिए यहाँ पे रखा है मैंने ये 19 जैसा कि मैंने आपको बताया था 36 एंड 38 एट जैस के लिए मैंने बनाया है इसे तो ये बिल्कुल प्रॉपर साइज़ है 36 वालों को भी आ जाएगा और 38 वालों को भी आ जाएगा तो अब इसके आगे का प्रोसेस फ्रेंड्स आपको सेम ऐसे ही एक रो बो पैटर्न की और एक रो आपको डबल क्रोचा की बना के पूरी नीचे आपको अपने लंबाई के अकॉर्डिंग बनानी है बॉर्डर बनाने के लिए आपको इसमें थोड़ा सा छोड़ देना है जैसे तीन पैटर्न के अकॉर्डिंग जब मैंने अभी आपको बताया तो अब सेम ही पैटर्न को यहाँ से रिपीट करेंगे कुछ भी नहीं करना है इसी कलर से मैं कंटिन्यू करूँगी तो दो चेन बना के वर्क को टर्न करना है और यहाँ से सेम वो पैटर्न बनाना स्टार्ट करना है एक दो तीन और चार एक दो तीन स्टार्टिंग जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे और उसके बाद के सारे बो पैटर्न जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे और अगर आप पूरा दो कलर में बनाना चाहते हैं तो पूरा दो कलर में भी बना सकते हैं बट इसमें पूरा दो कलर में आप बनाने में आपको बार बार इसमें धागे को कट करना पड़ेगा क्योंकि बो पैटर्न सीधे से ही बनाना है जिस साइड सीधा होता है उसी साइड बो पैटर्न तो हर दो बो पैटर्न के बाद आपको इसमें धागे को कट करना पड़ेगा तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि ऊपर का थोड़ा सा पार्ट बना के यहाँ पे मैंने एक बार धागे को कट किया है पहले एक बार लगाया था बीच में धागे को कट किया था उसके बाद फिर से जहाँ भी जैसे सीधा ये साइड सीधा है तो इसी तरफ से वो पैटर्न बनाना होता है ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे बैक साइड से आपको इस तरीके से लगेगा तो इसलिए धागे को कट करना पड़ेगा सजेस्ट करूँगी आपको कि आप आगे का पूरा पैटर्न इसमें ही एक कलर से ही बनाएं तो मैं इसमें लंबाई के अकॉर्डिंग बना लेती हूँ फिर आगे का पैटर्न फ्रेंड्स इसके बाद की नीचे का बॉर्डर इसकी स्लीव एंड प्लस इसका बटन पट्टी का बॉर्डर ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा तो आज के लिए बस इतना ही मैं मिलूंगी आपसे इसी के पार्ट टू में तब तक के लिए बाय थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें